पश्चिम महाराष्ट्र एज्युकेशन ट्रस्ट तर्फे हजरत मोहम्मद पैगंबर जयंती निमित्त आयोजित निबंध आणि वक्तृत्व स्पर्धेत आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे गड किल्ले बनवण्याच्या स्पर्धेत यश संपादन करणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचा पश्चिम महाराष्ट्र एज्युकेशन ट्रस्ट तर्फे भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन करून मानचिन्ह देऊन गौरव करण्यात आला. या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे सिकंदर सय्यद, इंडियन हॉस्पिटॅलिटी ऑफ इंडियाचे कोर कमिटीचे मेंबर फकीर फाउंडेशनचे अमीर फकीर, रोटरी क्लबचे सेक्रेटरी अमीन वाडियावाला, सुरैया वाडियावाला, समाजसेवक शफी पठाण सर, मौलाना राजीन अशरफ हे होते. पश्चिम महाराष्ट्र एज्युकेशन ट्रस्टचे मुख्य अध्यापिका अमरीन शेख, नजीमा खान यांच्या मार्गदर्शनाखाली या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यासाठी सर्व शिक्षक कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांनी भरपूर परिश्रम घेतले. और सिकंदर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि माना कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते हैं. माना आप इस स्कूल के लिए बहुत मेहनत करते हो, दूसरी सारी संस्थाओं में आप बहुत मेहनत करते हो, इसीलिए ये कहना जरूरी है कि माना कि आप किसी का भाग्य बदल नहीं सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो जरूर कर सकते हैं. जीवन में कभी मौका मिले, जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, कभी भी स्वार्थी न बनना. सिकंदर भाई को भी बहुत शुभकामनाएं. एंड थैंक यू वेरी मच. पश्चिम महाराष्ट्र एजुकेशन ट्रस्ट ये ऐसी है कि एक गंगा जमुना का जैसी यहाँ पे जिंदा रखा है. उर्दू मीडियम के स्कूल है, मराठी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, और ये कैंपस इतना पॉपुलर दिन ब दिन होते जा रहा है कि इसकी फीस बहुत कम है और यहाँ के बच्चे टॉप आ रहे हैं, मेरिट में आ रहे हैं, 10 में पूरा 100% रिजल्ट लग रहे हैं. और मैं सभी से उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस कैंपस का लुत्फ उठाए और आने वाले जो भी मुसीबत होंगी तो मैं एलिमेंटस की, मराठी की, हिंदी की और भी कुछ भी संस्था है मेरे साथ जुड़े हुए, सब हम सचिन फ्रांस साहब का जो सपना है वो सपना पूरा करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह. Thank you.
चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और दूसरी बात ये है कि बच्चों के अंदर जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो पैदा होना चाहिए, तो उन लोगों के अंदर लड़कियों में खास करके सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। अगर हम बच्चों को बोला जाए कि बच्चे दो जगह दो वर्ड आकर के यहाँ पे बोल दें तो बच्चे शाय हो जाते हैं, सबसे पहले मखनी और उसके अंदर ये सब चीज़ें बच्चे उसके अंदर ये हो जाते हैं कि नहीं हम नहीं जा करके बोलेंगे। मगर ये बच्चों को हम मखनी भी पिना रहे, हम मुर्खा भी पिना रहे, और हम आज स्टेज पे जो है अपनी कौम की हिमायत ही यहाँ पर ला करके भी खड़े कर रहे हैं कि कौम के अंदर बच्चा जो है पढ़ता करके भी जो है अपनी कौम की अपने उम्मत की जो भी है हमारी सुन्नत क्या है वो बच्चे जो है गवाही दे यहाँ पर आकर के। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे वालिद साहब की सबसे जो पहला मैं बोलना भूल गई कि ये विश थी कि ये जो है प्रोग्राम अच्छे से अच्छा बनाया जाए, और वो खुद इस प्रोग्राम को जो है ऑर्गेनाइज करते थे, मगर आज हमारी बहुत बदकिस्मत थी कि वो आज हमारे साथ में नहीं है। मगर मैं और मेरे तीनों दोनों सिस्टर जो है इसको जो है डे बाय डे इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं, ईयरली इम्प्रूवमेंट होते जा रहा है, और दो साल से जो है इसको अच्छा एक सक्सेसफुल इवेंट जो है हम लोग पश्चिम महाराष्ट्र एजुकेशन ट्रस्ट को दे रहे हैं, और साथ ही साथ पेरेंट्स को।